जैन स्टूडेंट्स टोडे वी गी चैप्टर नंबर वन दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है हम जब ए बी सी डी लिखते हैं अल्फ़ाबैट्स लिखते हैं तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा उनको कैसे जमाएंगे जैसे ए के बाद में नॉर्मली क्या आता है बी बी के बाद क्या आता है सी सी के बाद डी डी के बाद ई e. क्या हम ई e के बाद में जी लिख सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि ई e के बाद में आता है एफ़ ठीक है तो ये जो जमाना होता है ना उसको हम बोलते हैं ऑर्डर इसे अरेंज करना होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर सो so, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अल्फाबेट की ऑर्डर क्या होती है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम लेसन को रीड करेंगे और फिर समझेंगे कि ये लेसन हमें कहना क्या चाह रहा है ओके okay. ए C O M E S comes B E F O R E before B. B C O M E S comes B E F O R E before C. C C O M E S comes B E F O R E before D. A N D and S O so O N on. T -h -i -s THIS this -e order ofF of ALPHA -e alphabet is double -ca led -e called alph -e alpha -e order. ओके okay, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें कहना क्या चाह रहे हैं तो ए कम्स बिफोर बी यानी कि बिफोर मतलब पहले और कम्स मतलब आता है कौन आता है ए कम्स ए आता है किस से पहले बी से पहले हमें पता है बी कम्स बिफोर सी यानी कि सी से पहले कौन आता है बी कम्स यानी कि बी आता है सी कम्स सी आता है किस से पहले आता है डी से पहले एंड सो ऑन और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे नाउ दिस ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये जो ऑर्डर होती है अल्फाबेट की इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओके चलिए रीड करेंगे हम लेसन को फर्दर के आई डी एस किड्स एस टी ए एन डी स्टैंड यू पी अप ए डबल सी ओ आर डी आई एन जी अकॉर्डिंग टी ओ टू टी एच ई द एल पी एच ए बी ई टी आई सी ए एल अल्फ़ाबैटिकल ओ आर डी ई आर ऑर्डर ओ एफ ओफ वाई ओ यू आर योर एन ए एम ई एस नेम्स किस स्टैंड यानी कि खड़े हुई है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबैटिकल ऑर्डर ऑफ योर नेम्स आपके नेम्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप खड़े हो जाइए टीचर यहाँ पर बोल रहे हैं ओके okay, सो so सबसे पहले आभा यहाँ पर है आभा की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है ए से सेकेंड नंबर पे बबीता स्टैंडिंग ऑन द सेकेंड पोजीशन तो बबीता की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है बी से तो सबसे पहले आभा ए बबीता बी नाउ सी की बारी है तो सी में नंबर थर्ड पर कौन स्टैंड अप है यहां पर हु स्टैंडिंग अप चेतना, ओके तो चेतना वंस मोर, आभा एंड सी चेतना नाउ किसकी टर्न है डी तो डी पर यहां पर खड़े हैं कौन हु इज स्टैंडिंग हियर दिव्या तो ये डी दिव्या अब नेक्स्ट है ईशान ये हो रहे हैं फिफ्थ नंबर पे नाव गौरव जी देखिए यहाँ पर एफ से कोई बच्चा नहीं है एफ नाम का कोई बच्चा नहीं है उसके बाद में वी आर डन हमारा हो गया मैम हम खड़े हो गए हैं ओके तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या समझते हैं बच्चे सभी के ए के बाद में बी बी के बाद सी सी के बाद डी डी के बाद ई एफ एफ नहीं है तो जी दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेट्स स्टार्ट पहले रीड करेंगे ट्वेंटी सिक्स लेटर्स अल्फाबेट के कौन से हैं कैपिटल लेटर्स आप सभी बच्चों को पता है कौन से कौन से चलिए जल्दी से रिपीट आफ्टर मी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड सो दीज आर कैपिटल लेटर्स ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट है ठीक जिस है जिसमें से फाइव वाउल्स है ए ई आई ओ यू फाइव वाउल्स है और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं ट्वेंटी वन नाउ लेसन को फर्दर पढ़ेंगे रीड करेंगे ए एल पी एच ए बी ई टी आई सी ए एल अल्फ़ाबेटिकल ओ आर डी ई आर ऑर्डर टी एच ई द डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स आई एन इन डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई डिक्शनरी ए आर ई आर एल आई एस टी ई डी लिस्टेड आई एन इन A L P H A B E T I C A L alphabetical O R D E R order T H E the w -O -R -D -S, words S T A R T I N G starting W I T H with U uh, C O M E come F I R S T first T H E N then W O R D S words starting starting with with O M E come first 1st then then words words एस टी ए आर टी आई एन जी स्टार्टिंग डब्ल्यू आई टी एच विथ बी एन डी एंड सो ऑन एस ओ सो ओ एन ऑन स्टूडेंट्स आपको आपकी बुक में देखते हुए चलना है और रीड करने की कोशिश करना है क्योंकि जब हमें रीड करना नहीं आएगा तो आगे हम ऐसा अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे हमें कुछ चीज़ें आए क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहला स्टेप है टी एच ई द डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स बी ई जी आई एन आई एन जी बिगिनिंग डब्ल्यू आई टी एच विथ टी एच ई द एस ए एम ई सैम एल ई डबल टी ई आर लेटर ए आर ई आर ओ आर डी ई आर ई डी ऑर्डर्ड एल डबल ओ के आई एन जी लुकिंग ए टी एट टी एच ई द एल ई डबल टी ई आर लेटर एफ ओ आर फोर ई एक्स ए एम पी एल ई एग्जाम्पल टी एच ई द डब्ल्यू ओ आर डी वर्ल्ड आर ए टी रेट सी ओ एम ई एस कम्स बी ई एफ ओ आर ई बी फोर टी एच ई द डब्ल्यू ओ आर डी वर्ल्ड आर ई एस टी रेस्ट ओके तो अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं कि ये हमें क्या बोलना चाह रहे हैं द वर्ड्स इन डिक्शनरी आर लिस्टेड इन alphabetical ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी जो होती है डिक्शनरी में क्या होता है शब्द होते हैं वर्ड्स होते हैं जिसकी हम हेल्प लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए भाषांतर के लिए तो देखिए जो डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं जमे हुए alphabetical ऑर्डर में पहले ए से जितने भी शब्द होंगे वर्ड्स होंगे वो आएंगे फिर बी से जितने भी शब्द होंगे वो आएंगे द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए कम फर्स्ट यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले शब्द सबसे पहले आएंगे देन वर्ड स्टार्टिंग विद बी और उसके बाद में ऐसे शब्द जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो आएंगे एन सो ऑन तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी अब हम करेंगे एक्सरसाइज लेट्स रीड द एक्सरसाइज फर्स्ट डब्ल्यू आर आई टी ई राइट टी एच ई द एल ई डबल टी ई आर लेटर आई एन इन टी एच ई द बी ओ एक्स बॉक्स डब्ल्यू एच आई सी एच विच

लिखना है तो चलिए मुझे बताइए सी और ई e के बीच में क्या आता है डी तो हमने यहाँ पर लिख दिया डी ए ए और सी के बीच में क्या आता है काउंट करें ए बी एंड फिर सी आता है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए बी लेकिन हम लिखेंगे इसको कैपिटल में तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी इसी तरीके से आप सभी बच्चे क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट है और इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं ओके और अगर, अगर आपको लगे तो अपने मम्मी पापा की भी हेल्प लीजिए ओके नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज बी रीड करेंगे ए डबल आर ए एन जी ई अरेंज आई एन इन ए एल पी एच ए बी ई टी आई सी ए एल अल्फाबेटिकल ओ आर डी ई आर ऑर्डर आपको इनको क्या करना है ये सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ए फिर बी फिर सी डी ई एफ जी एच आई इस तरीके से ओके तो सबसे पहले अगर हम एल वी और आर में से देखें तो सबसे पहले क्या आता है एल आता है तो ये सबसे पहले लिख जाएंगे हम लोग एल ओके एल के बाद में एल एम एन ओ पी क्यू आर आर आ गया तो हमने यहाँ पर लिखा आर आर के बाद में एस टी यू वी वी लास्ट में आता है तो हमने यहां पर लिख दिया वी ओके okay? इस तरीके से नेक्स्ट पी एल एंड जेड पी एल जेड में सबसे पहले क्या आता है आप एबीसीडी बोलना स्टार्ट करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल आ गया पहले तो यहां पर हमने लिखा एल एम एन ओ पी पी आ गया तो पी हमने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद में देखिए क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड जेड कहाँ आ रहा है लास्ट में आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड सो दिस इज योर alphabetical ऑर्डर तो आप सभी बच्चों को खुद से कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की और यदि लगे तो आपके पेरेंट्स की हेल्प लीजिए एक्टिविटी कट द स्क्वेयर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग हैज़ बीन डन ओके सबसे पहले रीड करेंगे हम सी यू टी कट टी एच ई द एस क्यू यू ए आर ई एस स्क्वेयर्स आई एन इन ए एल पी एच ए बी ई टी आई सी ए एल अल्फाबेटिकल ओ आर डी ई आर ऑर्डर एस टी ए आर टी आई एन जी स्टार्टिंग एच ए एस हैज बी डबल एन बिन डी ओ एन ई डन हियर व्हाट यू हैव टू डू आपको यहाँ पर क्या करना है आपको कट द स्क्वेयर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको स्क्वेयर्स को क्या करना है कट करना है स्टार्टिंग हैज़ बिन डन एक आपके लिए किया गया है तो चलिए सबसे पहले ए बी एन सी हमने ये तीन स्क्वायेर को कट कर दिया दिस इज स्क्वायेर ओके स्क्वायर किसको बोलते हैं चारों तरफ से जिसकी बुझाएँ यानी कि साइड्स सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वेयर्स बोलते हैं ओके, okay. सो so, ये स्क्वायर है यहां पर सारे इसको आपको क्या करना है कट करना है तो ए बी सी हमने एक कर दिया चलिए और कुछ दिख रहा है आपको कोर्स दिख रहा है पी क्यू आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है आपको जी एच आई एस टी यू वी ये हो गया तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है सभी लेटर्स को इस तरीके से स्क्वायर्स को इस तरीके से कट करना है जो ऑर्डर में है जितने ऑर्डर में है यानी कि जितने जमे हुए हैं प्रॉपर ऑर्डर में हैं उनको ही हम कट करेंगे ओके okay? सो so, ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट्स आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप सभी बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जो वर्क स्कूल से दिया जा रहा है उसको डेली बेसिस पर हमें करना है ताकि हमारा नॉलेज हम वापस गेन कर पाएँ ओके थैंक यू एंड गुड बाय